हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी दूसरी वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूँ हायरिंग की, जो एक हायरिंग चल रही है, ये स्टाफिंग कंपनी है, नोएडा सेक्टर 63 में है, डी ब्लॉक में। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए हायरिंग चल रही है। और स्टाफिंग कंपनी है, मतलब काफ़ी ठीक है, यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी आपको पड़ जाती है। अभी जो है फ़िलहाल जो हायरिंग चल रही है, यहाँ पे ना एक रिक्रूटर के लिए चल रही है, दूसरा है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए। सेल्स का काम होने वाला है यहाँ पे, जो लोग करते हैं उन्हें सब पता होगा। एंड यूएस स्टाफिंग कंपनी है, यहाँ पे आप करियर स्टार्ट कर सकते हो एज ए फ्रेशर भी। काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छा पैसा आप यहाँ कमा सकते हो। और इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि आप हर 6 महीने सैलरी इंक्रीज होती है यहाँ पे। वन टाइम आपको खाना भी मिलेगा, मील प्रोवाइड होती है, बहुत सेट कैब मिलती है यहाँ पे, मोस्टली कंपनी जो होती है यूएस स्टाफिंग की। और हमारा काम इसमें यह होता है, हमें ना कैंडिडेट को ना यूएस में कॉल करके हायर करना होता है कंपनी के बिहाफ पे। इसमें अलग अलग कंपनी का अलग सब कुछ रहता है। यूएस का आईटी के लिए हमें हायर करना होगा स्टाफ के लिए, या फिर नर्सेस हायर करनी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है कुछ कंपनी किसी भी इस पर अलग काम करती है। तो जो भी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये आईटी रिक्रूटमेंट कंपनी है, आईटी के लिए हायर करती है। यहाँ आप फ्रेशर भी ट्राई कर सकते हो, एक्सपीरियंस है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए जो सैलरी होती है ना स्टार्टिंग में कम रहती है, सब कंपनी का अलग क्राइटेरिया है। तो अभी जो मैं फ्रेंड ने बताया, तो जो जिस कंपनी में बता रही हूँ यहाँ पे ना 15 से 18 के बीच में सैलरी ऑफर करते हैं एज ए फ्रेशर। बट जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो सैलरी बढ़ते चली जाती है। ये फ़ायदा होता है आईटी का, उसमें स्टाफिंग कंपनी में हर से 6 महीने में सैलरी बढ़ती है। और दूसरा क्या है, आपको यहाँ पर ना इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, जो भी आप ना कि इंसेंटिव अर्न कर लो, जो भी आप प्लेसमेंट करवाते हो जिन कैंडिडेट का, अगर वो वर्क स्टार्ट करना कर देते हैं तो इनको अपन कुछ इंसेंटिव मिलते हैं। तो आपकी सैलरी ना काफ़ी अच्छी हो जाती है यहाँ भी। मेरे एक फ्रेंड वर्किंग था यहाँ पे, वो पहले ना बीपी में जॉब करता था, तो उसने बीपी छोड़ करके ये ज्वाइन कर लिया है। उसने टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया था, INI जायजर में ज्वाइन किया था। काफ़ी टाइम करने के बाद फिर उसने ये स्टाफिंग ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे खुश है, बता रहा था काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया उसने। कह रहा था कॉलिंग तो हमें सभी करनी होती है, पर यहाँ इतनी कॉल में परेशानी नहीं होती है। बीपी में तो आपको पता ही होगा, जो कॉल कर जानते करते हैं जॉब, वो जानते हैं कितनी थोड़ी टॉक्सिक जॉब होती है बीपी वाली। तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें सिर्फ नॉर्मली कॉल करनी होती है कैंडिडेट्स को, उनको जॉब के बारे में बताना होता है, जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, उन्हें जॉब बताने, तो जो इंटरेस्टेड होते हैं हमें कोई डॉक्यूमेंट मांगने होते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिला के हमें टीम को में जो भी रहता है उनको सबमिट कर देते हैं। बस इतना नॉर्मल काम होता है, हम कॉल और ईमेल से ही दोनों को मतलब कि हायर कर लेते हैं। और इसमें यही प्लस फ़ायदा होता है ना कि इसमें इंक्रीमेंट और ग्रोथ मिलती रहती है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो मेरा फ्रेंड बता रहा था, वैसे एक शिफ्ट की प्रॉब्लम रहती है, नाइट शिफ्ट रहती है हमेशा परमानेंट, नहीं तो बाकी सब कुछ सही है। और सैलरी के मामले भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, सबसे फर्स्ट पर तो आती है आईटी इंडस्ट्री, जो अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करवाती है। और सेकंड नंबर पे इसका ही नाम है स्टाफिंग का, जो सैलरी उसका ही ना मंथली, जो मेरा फ्रेंड बता रहा था उसकी सैलरी मंथली पड़ जाती है, मतलब कि 60 से 70 हज़ार के बीच में सैलरी उसकी मंथली पड़ जाती है इंसेंटिव मिला करके। तो ठीक कर रहा, अच्छा अर्निंग है उसकी, कह रहा है उतना फोकस भी नहीं करता है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ ST स्टार्ट किया था उसने अपना करियर, उससे जब मिल रहे थे एज ए फ्रेशर 15 हज़ार रुपये उसने जॉइन किया था। तो हर 6 महीने से सैलरी बढ़ती चले गई, उसे करीब 3 साल में उसका बता रहा है कि सैलरी ठीक हो गई है उसके, मतलब कि 5 लाख का अराउंड उसका पैकेज हो गया है, अलग से वो इंसेंटिव भी अर्न कर लेता है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम आती है वो रिसेशन का टाइम प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तक हाँ इंडस्ट्री में रहती है, तो ये सॉल्व हो जाता है। बाकी और के मुकाबले ये स्टाफिंग जो कंपनी है काफ़ी सही है, यहाँ भी करियर आप ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है सब कुछ, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी प्रॉब्लम ना बीपीओ में होती है कॉलिंग में। बीपीओ में एक ये है प्रॉब्लम होती है ना कि आप वहाँ ना लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। मेरा फ्रेंड अभी वर्किंग है इंटरनेशनल प्रोसेस में, अच्छा खासी अर्निंग सैलरी अर्न करना है वो, उसकी इन हैंड अभी 45 सैलरी है, और अलग से इंसेंटिव में तो मंथली ना वो 70-80 हज़ार बीस में कमा लेता है, पर वो डेली कहता है कि आज मैं जॉब छोड़ दूँगा, जॉब छोड़ दूँगा, मैं परेशान हो चुका हूँ, थोड़ा प्रेशर रहता है और कुछ नहीं है उसको, कुछ जिम्मेदारी इसलिए जॉब नहीं छोड़ पा रहा है, सैलरी ठीक ठाक है उसके भी मतलब की। तो बीपी जॉब तो बीपी ही होती है कॉलिंग, आप जो कर रहे हैं उनको पता ही होता है सब, सैलरी मैटर नहीं करती है, थोड़ी रिलैक्स हो तो वो सब कुछ मैटर करता है, बाकी सब कुछ सही है। मैं एड्रेस आपको साथ शेयर कर दूंगा, जो इंटरेस्टेड है वो वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूँगा कंपनी का, ये 62 में है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, और सब कुछ सही है, बढ़िया है। पर हाँ एक है, यहाँ पर ना नाइट में इंटरव्यू होते हैं, तो आपको ना शाम के 7 बजे के बाद वहाँ इंटरव्यू देने जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क मोस्टली अच्छा रहता है सब नाइट में ही करते हैं स्टाफिंग कंपनी में, तो नाइट में इंटरव्यू होता है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपना इंटरव्यू दीजिए, जो इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं एज ए करियर के लिए।
बाकी सब ठीक है। और जो भी कोई आपके डाउट्स होता है मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, और जितनी है आपको मैं हेल्प करूँगा, बिल्कुल कोशिश करूँगा हेल्प करूँगा। बाकी आप मुझे चैनल को मेरे सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, मैं और भी कोशिश करता हूँ आपको अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू आज के लिए, बाय बाय, टाटा।